सरकार का ही एक अभियान है और यह हमें हर्ष हो रहा है ये कहते हुए कि खाक है वो दरिया जिसमें न हो रवानी, जब जो सही नहीं तो किस काम की जवानी। ये है तो ये बिहार के युवाओं का एक उद्घोष है, उनके पुण्य और परमार्थ का। ये बिहार के ये वो युवा हैं जो पहले अपना चेहरा साफ कर लेते हैं, बाद में शीशे को साफ करते हैं। आज दुनिया में फैशन चला हुआ है कि हम शीशे को पहले साफ करते हैं, चेहरा बाद में साफ करते हैं। हम पहले ठीक होते हैं और दुनिया को बाद में ठीक करने का प्रयास करते हैं, हमारा ये निवेदन है। और एक और बात हम कहना चाहेंगे कि इन दिनों सूक्ष्म जगत में एक ऐसी धान पड़ी हुई है, गुरुदेव ने इस वातावरण को, इस अंतरिक्ष को गर्म कर दिया है कि जाने अनजाने राजतंत्र भी सुमति के मार्ग पर और ऐसा सफल संचालन कर रहा है कि बिहार के बारे में जो एक विडंबना बन गई थी उसको साकार होकर के और दुनिया के मानचित्र पर ला दिया है इस बिहार सरकार ने और बिहार के मुख्यमंत्री ने। उसी के कैबिनेट मंत्री माननीय भीम सिंह जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, जो बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। और भीम सिंह जी बिहार पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग पास किया, PhD किया इन्होंने और वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का सतत अध्ययन करते हैं, हम लोगों की अखंड ज्योति पढ़ते हैं। हम लोग जिस काम के लिए जाते हैं बड़े भाई और एक अभिभावक के रूप में बराबर खड़े रहते हैं। और इन्होंने वो कर दिखाया कि आज 500 की आबादी का 300 की आबादी का भी जो टोला है, जिसको टोला पूरा बोलते हैं बिहार में, वहां भी पक्की सड़कों का और मेन रोड की सड़कों से कनेक्टिविटी का काम इन्होंने कर दिखाया है और वो सब काम यहाँ बिहार में हो रहा है। एक उर्दू का वो शहर, एक मस्जिद का एक मौलवी साहब थे जो एक बगल वाले को कहते थे कि तुम मस्जिद में आया कर। वो आता नहीं था, कभी कभी पीता भी था। मौलवी साहब के जीवन से उसको कोई बदलाव नहीं मिला दिखा, तो मौलवी साहब को उसने बुलाया और उसने कहा आके मेरे बगल में बैठ जाओ। और वो कहा कि यदि बाजुओं में दम है तो मस्जिद को हिला के देख, नहीं तो आ मेरे पास बैठ, दो घूंट पी और मस्जिद को ही हिलता हुआ देख। तो भीम सिंह जी ने वो कर दिखाया है कि मस्जिद को हिलाया है बिहार सरकार ने, बिहार के 9 करोड़ जनता को और बिहार के भाग्य और भविष्य को, जो प्रगति का मापदंड स्थापित हो रहा है यहाँ, जहाँ दुनिया की पत्रिकाएं और दुनिया के तमाम चैनल और मीडिया आज रेटिंग कर रही है। हम ये बिहार सरकार की उपलब्धि को बताने नहीं आए हैं, हम बिहार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं और बिहार एक परिवर्तन की प्रयोगशाला है। अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय माननीय मंत्री डॉक्टर भीम सिंह जी से कि अपना विचार, अपना आशीर्वचन हम युवाओं को दें माननीय।